हाँ जी एवरीवन, कैसे हो सब? तो मैं हूँ आपका दोस्त जी, एंड आज के वीडियो में हम लोग वेदर ऐप बनाने वाले हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये हमारा जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट सीरीज का लास्ट प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है, जिसमें कि हम डायनामिक रेंडरिंग देखने वाले हैं डेटा की। ठीक है, तो जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम कोलकाता जैसे हम अगर चेन्नई का टेम्परेचर फेच करना चाहें तो ये हमें करंट टेम्परेचर उसकी सारी डिटेल्स ला के दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम कर रहे हैं यूजिंग एन API। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं कि ये सब हम कैसे करेंगे एंड कम्प्लीटली से देखेंगे कि कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का बेसिक मेरी HTML की फाइल है जिसे मैंने बना रखा। ठीक है, अब करना स्टार्ट कर। तो ये हमारी मेन फाइल है, इसमें मैंने एक क्लास बना लिया कंटेनर की। चलिए अभी कंटेंट नहीं है, इस वजह से कुछ कलर डिस्प्ले नहीं हुआ। लेट्स ऐड सम कंटेंट हियर। इसमें हम एक H1 टैग डालते हैं विद, ये आ गया। ठीक है, इसकी हम हाइट कर देते हैं 100 व्यूपोर्ट हाइट्स। ये आ गया। नाउ हम H1 कर देंगे वाइट टेक्स्ट कलर एंड थोड़े से इसमें हम पैडिंग भी दे देते। ठीक है, ये हो गया। एंड इस भी इंक्रीज कर देते हैं। ओके, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, यस। नाउ नेक्स्ट अब हमारे को बनाना है। सो नाउ हमारे को अब ये फॉर्म बनाना है, ठीक है, जिसमें कि ये सर्च फील्ड एंड ये सर्च बटन रहने वाला है। चलिए इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं जिसमें कि ऑन सबमिट होता है। ठीक है, ये फॉर्म रहेगा। एक इनपुट फील्ड बनाएंगे टाइप टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर देंगे उसका सिटी। देन एक हम बटन बनाएंगे टाइप सबमिट का। ठीक है, डन। नेक्स्ट अब हम इसकी करते हैं स्टाइलिंग। ठीक है, चलिए। तो जो हमारा ये कंप्लीट फॉर्म है इसको हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। ठीक है, नाउ अब हमें देखना है जो इनपुट फील्ड है उस पे क्या देखना है। ऑर्डर नन आई वॉन्ट एंड टेक्स्ट कलर व्हाइट। ओके ओके ओके, एवरी थिंग इज हैपनिंग। हम देखो बॉर्डर भी हट गया है। ठीक है, हमने इसका डिफरेंस पता चले उसके करंट कर देते हैं नाउ। ठीक है, यस, कलर हो गया वाइट। अगर आप कुछ टाइप करोगे ना तो आपको वाइट दिखेगा। ये प्लेस होल्डर कलर है, ये अभी चेंज नहीं हुआ। इसके लिए हम करेंगे इनपुट पे प्लेस होल्डर। ठीक है, अब दिखेगा, अब डिफरेंस आएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया। ओके, इसकी विड्थ इंक्रीज कर दे।
यस नाउ लुक्स गुड ओके एंड बटन के साथ मार्जिन फ्रॉम राइट 10 पिक्सल्स ठीक है यस एंड दिस इज 16 ओके यस ठीक है नाउ इट बटन यस एंड padding as well 7 pixels and yes and okay border null सिटी हो गई ये हो गया नाउ हमारे को मेन सेक्शन बनाना है जहां पे हमारा कंप्लीट वेदर डिस्प्ले होगा ठीक है तो भैया अब इसमें हमें चार सेक्शंस डिस्प्ले कराने देखिए ठीक है जहां पर टेम्परेचर मेन सिटी आएगी नेक्स्ट वेदर टेम्परेचर सॉरी थर्ड आइकन एंड लास्ट में जो वहां के टेम्परेचर कंडीशन है ठीक है तो इसके लिए इनेबल्स बनेंगे फर्स्ट होगा सिटी पिक्चर फॉर नाउ लेट्स ओनली राइट 34 थर्ड होगा जिसमें कि एक इमेज आएगी इसे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं एंड लास्ट डिस्क्रिप्शन let's right now give clear sky and here let's give an image with src okay ye aa gaya chaliye isko dekhte hain ye yeah now ab isme we'll give background color of white This okay, good height set करते हैं pixels. This is yes, okay. Then border radius 10 pixels and offsets and yes, this is the shadow that we got. Okay, now अब अच्छा अब इसे हमें से काम और करते हैं जो फॉर्म है ना इस फॉर्म में थोड़ी सी बॉटम से पैडिंग दे मार्जिन दे देते हैं ओके मार्जिन बॉटम हाँ अब इसे हमें सेंटर लाइन करना है इसके टेक्स्ट को भी एंड इस कंप्लीट सेक्शन को भी सेंटर लाइन इसके लिए क्या करेंगे ये जो हमारा मेन कंटेनर है इसमें जाएंगे तो हम अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे ठीक है एंड डायरेक्शन कॉलम ठीक है तो देखो सेंटर लाइन हो गया अब इस डिव के इंडिविजुअल कंटेंट्स को भी सेंटर लाइन करना है तो क्या करेंगे ये था एंड सेंटर हो गया या एक काम और कर सकते हैं हम करते हैं फ्लेक्स करके ठीक है अब हम इसे हॉरिजॉन्टली सबसे पहले वर्टिकल देखते हैं ठीक है तो वर्टिकल के लिए हम करेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर ठीक है एंड डायरेक्शन कॉलम तो ये हो गया ठीक है देखो सेंटर हो गया हॉरिजॉन्टली नाउ वर्टिकली हमें क्या करना है स्पेस इवनली कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली तो इससे क्या होगा इवनली इसने सबको अलाइन कर दिया ठीक है सबके बीच में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर एलिमेंट के बीच में इवनली स्पेस दे दी और टॉप और बॉटम पे भी स्पेस छोड़ दी ठीक है चलिए नाउ अब हम इसके इंडिविजुअली अलाइन करते हैं तो फर्स्ट था हमारा सिटी तो font size 20 pixels
ठीक है। नाउ लास्ट कर दे देंगे ग्रे एंड फॉन्ट साइज कर देंगे 20 pixels। ओके यस। नाउ जो हमारी इमेज है ना, ये img टैग, इस img टैग की हम इमेज जो अभी आएगी इसकी हाइट विड्थ सेट कर देते हैं। इस सेक्शन में हमारी पूरी हाइट आ जाएगी, ठीक, सॉरी इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो इसको अभी के लिए हमने ब्लैंक छोड़ दिया, नेक्स्ट पार्ट में हम इसे भी ऐड कर देंगे, ठीक है। आइकन आएगा यहाँ पे, जो भी जैसे क्लियर स्काई आ रहा है अगर, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आइकन आएगा, ठीक है। ये आज की वीडियो में इतना ही है यार। अब इसमें हमने HTML CSS कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि API कॉल कैसे करनी है एंड उस API कॉल के बाद जो डाटा आ रहा है उसे यहाँ पर डिस्प्ले कैसे कराना है एंड उस डेटा के ही अकॉर्डिंगली हम आइकन्स कैसे चेंज करेंगे। अगर क्लियर स्काई है तो क्या होगा, क्लाउडी है तो कैसे आइकन चेंज होगा एंड अगर रेन हो रही है तो कैसे आइकन चेंज होगा, ठीक है। ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून टू द चैनल एंड फटाफट से जाके इसे कंप्लीट कर लो सो दैट नेक्स्ट पार्ट में आपको कंप्लीट हो। चलो बस इतना ही आज के लिए, चलो चलते हैं, टाटा बाय।